करार हो चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। ऑल डेली वेजर्स जो हैं आज सड़कों पर हैं। पीएचई के एम्प्लॉयज जो है हर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो जम्मू प्रोविंस में पहुंचे हैं और यहाँ पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर जो है वो प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। मैं आपको दृश्य ये बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर इस वक्त जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर हालात इस कदर खराब हो चुके हैं। पीएचई जो है देखिए आज ही अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ और यात्रा के निकलने के बाद ही जो है पीएचई एम्प्लॉयज जो है वो सड़कों पर है। इनका कहना यही है हमारी जो डिमांड्स है वो नहीं मानी जाएगी तो हम जो है वो सड़कों पर ही आएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो जो लोग यहाँ पर निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हर तरफ जो है आपको एम्प्लॉयज यहाँ देखेगा, दूर तक जो है आपको एम्प्लॉयज यहाँ पर दिखेंगे। मैं आपको बता दूं जिस तरह से पीएचई के एम्प्लॉयज हैं आज सड़कों पर उतरे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट से जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ हैं और रवि जी यहाँ पर इनके साथ चल रहे हैं और बात करेंगे रवि जी से जानने की। रवि जी क्या क्या डिमांडें रहेंगी? देखिए हमारी वही तीन डिमांडें हैं जो लगातार चलती आ रही है। पहली है रेगुलराइजेशन पॉलिसी, दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूपी, और तीसरी जो हमारी मांग है वो हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है जो हमें हर महीने मिलनी चाहिए थी, जिसका हमने काम किया है। लेकिन प्रशासन हमारी वेजेस जो कि कानून का सरासर उल्लंघन है, वेजेस भी दबा के बैठा है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और लोकतंत्र का कत्ल है, लेकिन राज्यपाल प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्टों के उद्घाटन रिबन काटे जा रहे हैं, पूरे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है विकास की राह पे चल रहा है। ये कौन सा विकास है कि आए दिन लोग सड़कों के ऊपर अपने हक के लिए, अपनी डिमांडों के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, और फिर दावा किया जाता है राइट टू एजुकेशन का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के स्लोगन दिए जाते हैं, लेकिन स्लोगन सिर्फ कागजों में होते हैं, जमीनी सतह के ऊपर कोई भी नहीं है। जी आज अमरनाथ यात्रा का उद्घाटन हुआ है, अमरनाथ यात्रा चल चुकी है और बाहर से यात्रु आ रहे हैं, क्या मैसेज है? देखिए ये हमने 22 तारीख से स्ट्राइक शुरू की है और उससे पहले हमने 24 घंटे की कॉल दी थी जो 28 मई को दी थी। हम बार बार प्रशासन को अपील करते रहे कि हमें मजबूर ना करें ऐसा कदम उठाने के लिए, लेकिन प्रशासन ने मजबूर किया। हमें भी बड़ा दुख है कि अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और आज ये हालात है, लेकिन इसके लिए आज प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जो दोगली नीति खेल रही है ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर रवि हंस थी जो कहीं ना कहीं सब कुछ, और इस वक्त हालात यहाँ आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयज सड़कों पर उतर चुका है और पुलिस इनको रोकने की जो कोशिश है वो कर रही है और एम्प्लॉयज सड़कों पर, यानी कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो प्रशासन जिस हिसाब से इस वक्त काम कर रहा है ऐसा लग नहीं रहा। कहीं ना कहीं पीएचई के जो लोग हैं ये आज रुकने वाले हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं और दोनों तरफ आप देखिए पुलिस रोकने की जो कोशिश है वो कर रही है और इनका ये कहना कि अगर हमारी वेजेस नहीं बढ़ाई गई तो देखिए दूसरी तरफ देखिए आप हजूम कितना है और ये लोग दोनों तरफ का जो रोड है वो कहीं ना कहीं इस वक्त ब्लॉक हो चुका है और दूर तक आप नज़र दौड़ाइए तो यहाँ पर आपको पीएचई के जो वर्कर्स हैं वो दिखेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं और प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ लगातार पीएचई के एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी डिमांडें रखते हैं और रखते हुए यहाँ पर आज जब प्रशासन ने इनकी बात नहीं सुनी तो आज हर डिस्ट्रिक्ट से जो एम्प्लॉयज़ आया है वो सड़कों पर उतरा है। आप हजूम देख सकते हैं, हो सकता है सेक्रेटेरिएट का मूव हो लेकिन पुलिस कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं इनको रोकने की, लेकिन रुकने का जो नाम है वो अभी इनके पास नहीं है। और अमरनाथ यात्रा जो आज शुरू हुई है, कहीं ना कहीं बाहर से जो लोग आए हैं उनको भी यही एक मैसेज जो है वो जाएगा, क्योंकि इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा साहब हैं ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनका जो टाइम इस वक्त चल रहा है कहीं ना कहीं विफल होता हुआ जो है वो नज़र यहाँ पर आ रहा है। रोड के देख रहे हैं दोनों तरफ से जो रोड है वो ब्लॉक हो चुका है और दोनों तरफ पीएचई के एम्प्लॉयज़ जो हैं
वो डेली वेजर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी के सभी यहाँ सड़कों पर उतर चुके हैं और अपनी डिमांड जो रखे हुए, यही डिमांड है कि हमारी जो वेजेस है कहीं ना कहीं उसको रिलीज़ किया जाए। लेकिन इस वक्त आप देखिए जो सभी के सभी एम्प्लॉयज़ हैं दोनों तरफ सड़कों पर ब्लॉक है और पुलिस कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं इनको रोकने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज रुकने का जो नाम है वो इनके पास है ही नहीं। जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर वर्कर्स इस वक्त कर रहे हैं और लगातार मैं आपको बता दूं जिस तरह से रोड दोनों तरफ ब्लॉक हो चुका है और सभी के सभी एम्प्लॉय जो हैं वो सड़कों पर है। हर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन गाड़ियाँ जो लाई गई थी वो यहीं पर खड़ी है। और हम आपको बता दें इस तरह से जो PHU एम्प्लॉयज है जो आज सड़कों पर उतरा है देखिए हालात इस कदर तो ये लोग सड़कों पर ही रहेंगे और प्रदर्शन यानी कि 7 दिन का वक्त दिया था, 7 दिन तक सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी तो आज ये सड़कों पर उतरे और लगातार कितने जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। ये पीएचई के जो एम्प्लॉयज हैं डेली वेजर जो एम्प्लॉयज हैं ये वो लोग हैं जिनका वेतन जो है वो समय पर नहीं मिलता और ये लोग आज प्रदर्शन करने 7 दिन के बाद सड़कों पर निकले हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।